वसूर कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से एक डेकोरेटिव हुआ था मुथूट फाइनेंस में एक गैंग एमपी झारखंड और महाराष्ट्र यूपी का मेंबर्स वो मुथूट फाइनेंस में ऑफेंस में जाके वहां पे वेपन के साथ थ्रेटन करके ऑलमोस्ट 25 केजेस गोल्ड का डिकॉयटी किए थे। ऑफेंस होने के बाद इमीडिएटली हमारा कृष्णगिरी एसपी श्री पंडित गंगाधर और उनका टीम विजिट करने के बाद वहां साइंटिफिक क्लूज मिलने के बाद इमीडिएटली सब पुलिस को अलर्ट किए गए। वहां पे शाम तक थोड़ा क्लूज और डेवलप हुआ, उसके बाद रात में हमारा तीनों कमिश्नर्स सीपी हैदराबाद अंजनी कुमार सर, सीपी राजकोंडा महेश भगवत सर और हमको इन्फॉर्मेशन दिए गए। ये लोग डेकोरेटिंग करने के बाद एक सुमो व्हीकल में और एक कंटेनर व्हीकल में वेपन के साथ और गोल्ड के साथ नागपुर साइड जा रहे करके इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमारा डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी, डीसीपी क्राइम्स रोहिणी, डीसीपी ट्रैफिक विजय और हमारा डीसीपी क्राइम्स यादगिरी राचकोंडा का और ओएसडी टास्क फोर्स राधाकृष्णा और हमारा एडिशनल डीसीपी एसओटी संदीप, एडिशनल डीसीपी इंदिरा रामचंद्रुडु और हमारा इंस्पेक्टर्स ऑलमोस्ट 150 के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स ये व्हीकल चेकिंग करते हुए काम पे लग गए और आर्म्ड चेक पोस्ट हम लोग पोस्ट किए, एम्बुश लगाया ये लोगों के लिए क्योंकि ये लोग के पास वेपन्स था और राइकल टोल प्लाजा के पास, तोड्डुपल्ली टोल प्लाजा के पास, मेडचल टोल प्लाजा के पास हमारा स्पेशल टीम्स का डिप्लॉय किए गए। तो राइकल टोल प्लाजा के पास हमारा एसआई राजेश्वर रेड्डी और कांस्टेबल यादैया बालू रातोड एक व्हीकल को पहचान लिया। एक सुमो में ये छह लोग मिलके जा रहे थे, उनका फ्यूचर्स ये ऑफेंस में जो किए गए उनसे टैली हो रहे थे। सो इमीडिएटली वो इन्फॉर्मेशन उनका इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी को और एडिशनल डीसीपी एसओटी संदीप और हमारा डीसीपी प्रकाश रेड्डी को दिए गए। इमीडिएटली हम लोग हमारे ऑफिसर्स शमशाबाद एयरपोर्ट इंस्पेक्टर्स एसओटी इंस्पेक्टर्स क्राइम ऑफिसर्स सब लोग मिलके ये व्हीकल को डिटेन किया और जो व्हीकल में था छह लोगों को अप्रेंड किया। बाद में उनका इन्फॉर्मेशन के मिलने के बाद हम लोग मेडिकल चेक पोस्ट के पास ये कंटेनर को डिटेन किया और वहां से दो लोग उनका ड्राइवर और क्लीनर टेकराम और राजीव कुमार उनको डिटेन करने के बाद ऑलमोस्ट उनके पास जो वहां पे चोरी हुए थे 25 केजीस का गोल्ड और सात वेपन्स 89 राउंड्स और 93,000 रुपीस का कैश मिलने के बाद ये लोगों को हम अरेस्ट करने के बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन एसपी कृष्णगिरी बंडी गंगाधर को दिए। उनका टीम भी ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, उनका इंस्पेक्टर विजय कुमार और उसका टीम उनके पीछे थे। सो आज इनको हम लोग अरेस्ट करके उनको हैंड ओवर करने के बाद वो लोग एसपी कृष्णगिरी पुलिस कस्टडी लेने के बाद इंटरोगेट करने के बाद ये लोगों का क्या क्या है उनका उससे पहले कुछ ऑफेंस किया करके पहचान करने के लिए मौका है और उससे अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मालूम पड़ता है कि ये लोग ऑलरेडी अक्टूबर में ये ऑफेंस एक मुथूट में फाइनेंस में लुधियाना में अटेम्प्ट किए गए थे, वहां पे फायरिंग भी हुआ, एक आदमी का भी मौत हो गए, उसमें तीन लोगों का अखिल को अरेस्ट किए गए, सुजीत और सौरभ उनको अरेस्ट करने के बाद ये लोग जो मेन अक्यूज है A1 और A2 अमित अलियास विवेक शुक्ला और राजू बागल वो लोग रूप सिंह बागल वो लोग एस्केप हुए थे, वो लोग बेंगलुरु आके 3 महीने तक ये लोग रेकी किया ऑलमोस्ट वहां पे रह के
बैंगलोर उसूर कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में ये मुथूट फाइनेंस को रेकी करने के बाद ये उसूर का ब्रांच बहुत इजी है क्योंकि दो तरफ उनका उनको दो तरफ रोड है और एस्केप होने के लिए बहुत अच्छा चांस है करके ये लोग ये मुथूट फाइनेंस उसूर को टारगेट किए। बाद में 9:15 कल सुबह 9:15 जाके वो अटेम्प्ट करने के बाद जो उससे पहले प्लान किए जैसे उनका फ्रेंड